तो गाइस कैसे आप लोग, स्वागत है आपका एकदम ताज़ा फ्रेश और अमेजिंग ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आपको पता होगा ये मैं भी पता होगा, हम लोग का फर्स्ट ईयर हो चुका है पूरा, हम लोग के दोनों सेमेस्टर पूरे हो चुके हैं और अभी चल रही है छुट्टी। तो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे 7.84 CGPA एंड सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम हो चुका है पूरा। वैसे तो फर्स्ट ईयर 12 महीने मतलब एक साल का होता है, लेकिन उन्होंने 8 ही मंथ में सारा पूरा कर दिया कोर्स। और अभी मैं घर पे हूँ, छुट्टी तो और चाहिए थी लेकिन कॉलेज खुल रहा है 11 सितंबर को ही, तो पर मैं जाऊँगा 15 तारीख को ही। तो गाइस कॉलेज से एक आया था पार्सल, मुझे लगा कोई नोटिस आई है लेकिन वो था पार्सल। तो मैंने जब उसे खोल के देखा तो उसमें स्टूडेंट रिसोर्स बुक थी, जिसमें लिखा होता है कि कैसे क्या प्लेसमेंट है कॉलेज का। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कितना हाईएस्ट पैकेज किया है एकदम रियल। तो गाइस चलिए आपको हमारा पेट दिखाते हैं, जो कि यह क्या है पैरट, इसे बोलना भी आता है। तो गाइस ये है हमारा पेट जो कि बोलता भी है, देख सकते हैं बोल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं उसने अभी बोल के दिखाया आपको। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कॉलेज वालों ने भेजा है ये पार्सल, मुझे का कोई नोटिस भेजी होगी घर पे। तो जब मैंने इसको रिसीव किया तो ये था इसमें। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं। बाकी एड्रेस लिखा है मेरा, बाकी मेरा नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा है, परे पापा का नंबर है, इस पर फ़ोन मत करिएगा। चलिए खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो गाइस इसके अंदर कैंपस प्लेसमेंट रिसोर्स बुक है, इसको रखते हैं साइड में। देख सकते हैं कॉलेज वालों ने भेजा है, अपना प्रमोशन कर रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट 2022-23 इस्टेब्लिश। चलिए खोल के देखते हैं इसको। तो बाकी ये एक ग्रीटिंग है, पता नहीं इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ओ भाई 52 लाख हाईएस्ट पैकेज। तो भाई आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा प्लेसमेंट जा रहा है इसमें, 52 लाख्स का। तो गाइस पता नहीं सच लिखा है झूठ, क्या पता आप। बाकी कंपनी देख सकते हैं गूगल में दिया है 52 लाख पैकेज, बाकी सब लिखा हुआ है। बाकी कॉलेज की NIRF रैंकिंग है, इसमें मेरी ब्रांच तो है ही नहीं यार, शिट। सो गाइस मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो गाइस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CST का हाईएस्ट पैकेज गया है 50 लाख पर एनम। 100% स्टूडेंट प्लेस्ड, बाकी सब स्टूडेंट्स के नाम है, किसका कितना गया है। बाकी ये CE का है, इसका 44 लाख गया है, इसमें भी 100% प्लेसमेंट हुए हैं। ये कौन है, कुसुम लता भट्ट। ओ गूगल में इंटर्नशिप मिली है, सही है। ये कौन सा है, CSIT। सो गाइस ये ब्रांच पहले थी, अब भी हट गई है, इसका 19.76 लाख गया है। बाकी देख सकते हैं अचीवमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पैकेज है हाईएस्ट, इसमें केवल 90% बच्चे प्लेस हुए हैं। CSE में तो 100% थे, पर क्या करें CSE तो मिली नहीं मेरे को। बाकी पता नहीं क्या स्टार्टअप है कुछ। सो गाइस ये IT ब्रांच का है, 20 लाख, इसमें 97% बच्चे प्लेस हो गए। बाकी ये कौन कौन प्लेस हुआ इससे हमको मतलब नहीं है, हमें तो खाली हाईएस्ट पैकेज देखना कितना गया है। सो गाइस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 7 लाख ओनली। प्लेसमेंट। सो गाइस मैं अभी इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ, पता नहीं मेरा कितना जाएगा प्लेसमेंट। ओ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओ इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा है मैकेनिकल से, नहीं नहीं इसका ज़्यादा है 81%, मतलब मैकेनिकल ब्रांच बेकार है फिर तो। ये क्या है MCA का भी सही गया है।
ये MBA का है 9.60 लाख। ओ ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ओ सो गाइस ये कॉलेज का वो है रैंकिंग सर्टिफिकेट, NIRF ने दिया है। सही है, सो गाइस ये कंपनियां हैं जो 2023 में आई थी। अमेजोन है, पता नहीं क्या लिखा है, चाइनीज़ कंपनी है क्या, सिस्को है क्या। यार कॉलेज की पुरानी फ़ोटो ही लगाए पड़े हैं लोग, चेंज भी नहीं कर रहे हैं। सो गाइस कॉलेज की पुरानी फ़ोटो है, नई फ़ोटो में इसका कलर चेंज हो गया है, ग्रे हो गया है। तो गाइस बढ़िया लग रही है, फ्री का प्रमोशन कर रहे हैं घर भेज भेज के लोग। आपने देख ही लिया होगा स्टूडेंट रिसोर्स बुक की कैसे क्या प्लेसमेंट रहता है ABS में, और आपने सारे ब्रांचों का प्लेसमेंट भी देख लिया होगा। तो आपको जिस ब्रांच का प्लेसमेंट सही लगे सही से चूज़ करिए, क्योंकि काउंसलिंग अभी चली रही है तो आप ब्रांच सही से चूज़ करिएगा। आप मैंने आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज दिखाई दिया है कितना किसका होता है। तो और किसी को अगर ABS में कोई भी क्वेरी हो कॉलेज से रिलेटेड कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, हॉस्टल कॉलेज कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, PG कहाँ मिलेगा, कितनी दूर है, सो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर और इंस्टाग्राम आई डी पिन है, आप कमेंट भी कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।